शूटिंग और एथलेटिक्स इवेंट के बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में अब भारत की बैडमिंटन में भी बल्ले बल्ले होती दिख रही है। बैडमिंटन के इवेंट में भारत का पहला पदक पक्का हो गया है। भारत के स्टार पाराशलर प्रमोद भगत ने फाइनल के टिकट के साथ सिल्वर मेडल देश के लिए कंफर्म कर दिया है। लेकिन अगर वो फाइनल जीत लेते हैं तो फिर कंफर्म हुए चांदी के मेडल का रंग सुनहरा भी हो सकता है। वर्ल्ड नंबर वन प्रमोद भगत ने सेमीफाइनल में जापान के शटलर को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया है। उन्होंने जापानी शटलर फुजीहारा को सीधे गेम में 21 से 11, 21 से 16 से हराया। सेमीफाइनल में प्रमोद भगत अपने वर्ल्ड नंबर वन के रुतबे और लोगों की उम्मीदें दोनों पर खरे उतरे। जापानी शटलर के खिलाफ उन्हें दोनों गेम के शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने मैच पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाकर उसे जीत लिया। प्रमोद के फाइनल में पहुंचते ही भारत की झोली में 14वां मेडल भी कंफर्म हो गया। प्रमोद भगत जीते पर मनोज सरकार हारे। हालांकि बैडमिंटन के एक और कोर्ट से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि पारा शटलर मनोज सरकार का परफॉर्मेंस प्रमोद भगत जैसा दमदार नहीं रहा। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के मनोज सरकार को ग्रेट ब्रिटेन के शटलर के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सेमीफाइनल गंवाने का ये मतलब नहीं कि मनोज सरकार के मेडल जीतने की उम्मीद भी धूमिल हो गई। वो बेशक प्रमोद भगत की तरह गोल्ड मेडल जीतने की रेस में नहीं रहे, लेकिन अभी उनके पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका होगा। गोल्ड मेडल मैच में अब प्रमोद भगत का सामना मनोज सरकार को हराने वाले ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथिल से होगा। वहीं ब्रॉन्ज मेडल मैच में मनोज सरकार की टक्कर प्रमोद भगत से हारने वाले जापानी शटलर के साथ होगी।